माझं नाव सुधाकर रेड्डी. मी नाल चित्रपटाचा दिग्दर्शक आहे. मी आता सांगणार माझा प्रवास कसा होता. माझ्या डोक्यावर खूप आधीपासून सिनेमा में आने का एक उत्सुकता था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी फिल्म्स देखता था, फिर थोड़ा मोहित होता था. फिल्म्स ऐसा एक अलग दुनिया दिखाते थे, तो मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन तब तो मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है इसमें, कैसे करना है. एक स्मॉल टाउन में पढ़ते थे हम, तो धीरे धीरे फिल्म्स देखते देखते मुझे लगा कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. एक कोई कैमरा से शूट करता होगा, फिर कोई एक्टर्स को ये बताता होगा. ऐसे ऐसे जनरली धीरे धीरे पता चलता ना, मैगजीन्स पढ़ देते हैं ऐसे. तो वो टाइम में मेरे को बहुत सारा क्वेश्चंस थे कि कैसे इसको परसू करना है. तो फिर मैंने धीरे धीरे पता चला कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है कैमरा पे, कैसे इसको एक कुछ सीन को दिखाना है कैसे. क्योंकि बहुत सारे फिल्म्स देते हैं, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था. बहुत बड़े बड़े कैमरामैन थे, राजीव मेनन, पीसी श्रीराम, संतोष शिवन, इन सब फिल्म्स, इनकी फिल्म देखते थे. इनका विजुअल्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था, इनका स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगता था. तो देन मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे करना है, लेकिन पता नहीं था कैसे करना है. तो कुछ कुछ मैगजीन्स में पढ़ा था कि फिल्म इंस्टीट्यूट ये सब होता था. तो मैंने कुछ कुछ इंस्टीट्यूट से, फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रॉस्पेक्टस वो सब मंगाया मैंने. उसमें लिखा कि ग्रेजुएशन के बाद ही इंस्टीट्यूट में जा सकता है ऐसे. तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर अभी बाद में जाता हूँ, तब तक कुछ और पढ़ाई करता हूँ. तो मैंने एक, मेरा एक और एक आइडिया था कि एक कोई कोर्स था, रेडियो इंजीनियरिंग कोर्स, मैरीन रेडियो इंजीनियरिंग कोर्स. तो वो मेरा भाई पढ़ रहा था. मेरे को इंजीनियरिंग डॉक्टर में कुछ ऐसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था. मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था. तो मुझे लगा कि ये मैरीन इंजीनियरिंग, मैरीन रेडियो ऑफिसर का कोर्स करके, मेरा भाई भी हैदराबाद में कर रहा था, उसने बोला क्या कर रहे तू. मैं बोला कि मेरे को वही करना है, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे कुछ करूँगा तो पूरा दुनिया घूमूंगा, बाहर जाके कुछ फिल्म स्कूल में पढ़ सकता हूँ. तो मेरे को एक ही एक्सेस पता था, मैं वैसे ही पॉसिबल है मुझे लगा. तो देन फिर मैं गया हैदराबाद, कोर्स ज्वाइन किया. तो एक टाइम में एक पेपर में पढ़ा था कि एक कॉलेज है हैदराबाद में, BFA बोल के कोर्स है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, वो डिग्री कॉलेज है. उसमें फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग ये सब था. तो मुझे लगा कि इसमें फोटोग्राफी करूँगा तो मेरे को डिग्री मिलेगा, उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकता हूँ. तो मैं वापस गुंटूर गया, सर्टिफिकेट्स वर्टिफिकेट्स लिया और सब करके उसमें अप्लाई किया. तो मैंने जाके एंट्रेंस लिया, उसका एंट्रेंस होता है कुछ लिमिटेड सीट्स है. तो एंट्रेंस लिया, फिर लकीली सीट मिल गया उसमें. तो फिर उसके बाद वो कोर्स ख़त्म किया. उसके बाद एवेंचुअली मुझे FTI आना ही था. तो फिर FTI वो टाइम में कुछ स्ट्राइक चल रहा था, कुछ तो था, कुछ डिले कोर्स में, तो उस साल कुछ कोर्स नहीं था. तो उसके अगले साल मैंने, तब तक मैंने कुछ असिस्ट किया कैमरा में, एक दो कैमरामैन के साथ इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में. तो विंसेंट बाल बोल के एक बड़ा कैमरामैन है, उसके साथ दो फिल्म में असिस्ट किया. तब तक FTI का एंट्रेंस आया, तो वो लिखा मैंने. तो उसके बाद FTI ज्वाइन हो गया. तो तब से बताइए कि उसके बाद वापस तेलुगु में गया, कुछ फिल्म शूट किया. और उसके बाद वहाँ पे एक टाइप ही, एक ही तरह का फिल्म्स बनता है. तो मुझे लगा मुझे कुछ और टाइप का फिल्म्स एक्सप्लोर करना चाहिए. तो मैं वापस बॉम्बे आया, फिर मराठी ऐसे हिंदी फिल्म पे. सायराट का शुरुआत था, नागराज का पहचान हुआ मेरा, हाईवे बोल के एक फिल्म किया था, उमेश कुलकर्णी डायरेक्ट कर रहा था, उसमें नागराज एक्टिंग कर रहा था. तो हम लोग वो सेट पे मिले थे, तभी शायद फैंड्री रिलीज होने वाला था, रिलीज़ हो रहा है वो शूट के टाइम पे. तो मैं जाके
वो फैंटी देखा, मेरे को फैंटी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसे फिल्म मैंने बहुत सालों से इंडियन स्क्रीन में देखा नहीं, इतना नेचुरल और इतना इंट्रीग इमोशनल फिल्म एक छोटा बच्चा को लेके। तो फिर उसके बाद हमारा दोस्ती चालू हो गया वैसे। तो जब सैराट बनना था तो नागराज मुझे फ़ोन किया और पूछा कि तू कर सकता है क्या। तो वैसे ही मेरे को नागराज का फिल्म अच्छा ही लगता, तो मुझे लगा कि ये फिल्म बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि कुछ अलग कर सकता हूँ इस फिल्म में। तो वैसे शुरू हुआ, फिर हम लोग शूट शुरू किया। शूट में इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था और सब नए नए बच्चे थे। फिर उसमें एक उनका एक स्पॉन्टेनिटी, उनका एक नया वे ऑफ, उनको कुछ पता नहीं था सिनेमा है ये है वो है, तो वो लोग अपना लाइफ में जैसे करते थे एक्टिंग वैसे ही कर, तो वो बहुत ही एक ऑर्गेनिक वे पे फिल्म बन रहा था। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने के लिए मिला हमको। और नागराज का एक अच्छा अप्रोच है कि वो सबको ऐसे साथ में लेके चलता है। एज अ डायरेक्टर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबको एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है फिल्म में। तो मुझे जो करना था उसका बहुत स्पेस था, बाकी लोगों को भी कुछ भी करना है उसका काफ़ी स्पेस था करने के लिए, अपना क्रिएटिव इनपुट्स कुछ भी। वो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट करता था, ऐसे करना है तो तुझे ऐसे करना है वैसे कर ऐसे बोलता था। मुझे शुरू से फिल्म में जब फिल्म मेकिंग में आना है तब से मेरे को कुछ स्टोरीज में मेरे अंदर का स्टोरीज बताना है, ये तो मैंने पहले से ही मेरे को एक इच्छा था। लेकिन मेरे को सिनेमाटोग्राफी करना है क्योंकि पर्दे पे जो हो रहा है उसका कंट्रोल मुझे लगता है कि मेरे साथ होना चाहिए, तो वो खाली सिनेमाटोग्राफी से होगा ऐसे मेरे को लगता था। तो इसलिए मैं सिनेमाटोग्राफी में शुरू किया। तो एक बार वो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा उसमें से कुछ कर सकता हूँ, तब मैं अपना स्टोरीज लिखना शुरू किया। तो एक शॉर्ट फिल्म किया एक आकाश बोल के, वो डायरेक्ट किया। तो उसके बाद फीचर फिल्म्स लिखना चालू किया, लेकिन करने के लिए टाइम नहीं मिलता था क्योंकि सिनेमाटोग्राफी में इतना बिजी था मैं, तो डायरेक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। सिनेमाटोग्राफी टू डायरेक्शन का जर्नी वैसे मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं शुरू से उसका मेरा एक क्या बोलते हैं उसका आउटलुक था कि मेरे को ऐसे करना ही है। तो उसके लिए मैं काफ़ी अपने जब भी शूट करते थे कैसे क्या कैसे डील करना है इस चीज़ को डायरेक्शन को, तो मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता था उसमें। और मैंने शॉर्ट फिल्म भी किया, थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, तो उसमें इतना मुश्किल नहीं था। खाली एक ही चीज़ लगता है क्योंकि स्क्रिप्ट अगर आपके पास रेडी है तो उसके बाद बाकी सब मतलब सिनेमाटोग्राफी करना डायरेक्शन करना वो सब एक ही बात है। मेरा थोड़ा वैसे मेमोरी बहुत कम है उसके बारे में, तो क्योंकि मेरे को जो भी सेट पे जाता था वो डेली जो होता है उसमें काफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को वही मज़ा आता है जो काफ़ी लोगों को मिलता नहीं लाइफ में कि जो सोचते हैं जो करना चाहिए वो करने को नहीं मिलता है। तो लेकिन मेरे को जो करना है वो मिलता है, जो करने को सोचता हूँ वही मिलता है। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एवरी डे मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आके शूट कर रहा हूँ कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, जिसमें एवरी डे देर इज़ ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। से गोल ऐसे मेरा गोल नहीं है, इसलिए मैं इस क्रिएटिव फील्ड में आया। शुरू बचपन से मेरे को ऐसा लगता था कि गोल क्यों होना चाहिए, ऐसे एक गोल लेके चलना मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है, ऐसे बचपन से पेरेंट्स बच्चों के लिए एक गोल सेट करके रखते हैं, उसी लाइन पे उनको पढ़ाई होता है सब। तो ये मेरे को बहुत ही मतलब तो लाइफ एक्सप्लोर करना है तो गोल लेस एक्सप्लोरेशन को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा कुछ गोल सेट तो नहीं किया, मेरे को जो मेरा अंदर जो भी क्रिएटिव एनर्जी है उसको एक्सप्लोर करना है, ऐसे नहीं कि मेरे को इधर तक पहुँचना है उधर तक पहुँचना है, ऐसे जैसे आता रहता है जैसे होता रहता है आगे आगे, तो उसके हिसाब से मेरा आगे प्लान चलता रहता है। काफ़ी टाइम वो बदलता रहता है क्योंकि इट्स ए प्रोसेस।